नमस्कार, मैं संदीप रे, चैनल सेल्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि FMCG कैटेगरी के अंदर कितने कैटेगरीज है, ये पूरे इंडस्ट्री में कितने कैटेगरीज है FMCG के अंदर, ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपको पहचानना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा सब कैटेगरी में आता है, उस सब कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कंपनीज है, उस कंपनी के अंदर कौन कौन सी ब्रांड्स है, तो ही आप अच्छे से उस प्रोडक्ट को दुकानों में सेल कर पाएंगे, उसका विजिबिलिटी कर पाएंगे, सही कैटेगरी में प्लेसमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना कि FMCGs में कौन कौन से कैटेगरीज है। तो देखिए, FMCGs में ब्रॉडली ये 5 कैटेगरीज है। होम केयर है, पर्सनल केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है, सिगरेट्स एंड अल्कोहल एंड OTC। OTC मतलब ओवर द काउंटर। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमें केमिस्ट से मिल जाता है, जैसे कि डिस्प्रिन क्रॉसिंग जैसे प्रोडक्ट हो गए, उसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता है। सो दोज आर कॉल्ड OTC, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। तो ये 5 कैटेगरीज है। अभी हम लोग समझेंगे कि एक एक कैटेगरी के अंदर कौन से सब कैटेगरीज है और उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स है। तो देखिए, ये है कैटेगरी वाइज इंडस्ट्री शेयर, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से कैटेगरी का कितना शेयर है। तो आप देख रहे हो कि फूड एंड बेवरेजेस सबसे बड़ा कैटेगरी है, होम केयर, पर्सनल केयर, टोबैको, सब वही 17-18-16% के आसपास है, एंड OTC इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी। तो अभी देखते हैं, एक एक कैटेगरी को जानते हैं कि उस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कंपनीज है और कौन कौन से ब्रांड्स है। शुरू करते हैं होम केयर कैटेगरी से। होम केयर के अंदर 6 सब कैटेगरीज है, फैब्रिक केयर, डिश वॉशिंग, सर्फेस केयर, टॉयलेट केयर, होम इंसेक्टिसाइड्स एंड एयर केयर। तो अभी आपने देखा कि होम केयर कैटेगरी के अंदर कुछ बड़े कंपनीज है, जैसे कि HUL, PNG, लेकिन बेंकाइजर, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज इस कैटेगरी के अंदर है। लेकिन देखिए, हर एक कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि आप देखो, ये होम इंसेक्टिसाइड्स वाला जो कैटेगरी है, इसके अंदर कॉयल्स होते हैं, लिक्विड वाला जो मशीन वो होते हैं, एंड एरोसॉल जो स्प्रे वो होते हैं। सो ये 3 जो है अलग अलग कैटेगरी के अंदर, इसी के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी है। तो उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरीज है। अभी हम लोग देखेंगे कि पर्सनल केयर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है, उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज है और क्या क्या ब्रांड्स हैं। पर्सनल केयर में ब्रॉडली 5 सब कैटेगरीज है, हेयर केयर, सोप एंड बाथ, स्किन केयर जो कि कॉस्मेटिक वाला कैटेगरी है, ओरल केयर एंड बेबी केयर। तो आपने पर्सनल केयर कैटेगरी देखा, और इसमें जो लीडिंग कंपनीज है, जैसे HUL है, गोदरेज है, मैरिको है, इमामी है, पतंजलि है, डाबर है, तो ये सारे जो है लीडिंग कंपनीज है पर्सनल केयर कैटेगरी में। अभी देखते हैं फूड एंड बेवरेजेस, जो कि सबसे बड़ा कैटेगरी है FMCG के अंदर, सबसे बड़ा कैटेगरी आप जो देख रहे हो, 49% शेयर है। अब क्योंकि ये सबसे बड़ा कैटेगरी, इसको हमने फर्दर मैग्नीफाई किया है कि इसके अंदर कौन कौन से कैटेगरी में क्या क्या शेयर है। जैसे आप देख रहे हो कि इस ग्राफ से कि जो स्टेपल्स है, ये 14% है। स्टेपल्स मतलब आटा, दाल, चावल वाला सेगमेंट। और उसके बाद आप देखो, इम्पल्स वाला जो कैटेगरी है वो भी काफ़ी बड़ा, 8% है। इम्पल्स मतलब चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स वाला कैटेगरी। अदर फूड्स में आ जाएगा आपका, फ्रोजन फूड्स, केचप, सॉस, जैम, ये सब आ जाएगा। एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स, जूस जैसा प्रोडक्ट्स के लिए ये कैटेगरी है। सो ये जो है, ये फर्दर ब्रेकअप है, फूड वाला जो कैटेगरी है इसका फर्दर ब्रेकअप है। अभी देखते हैं कि फूड कैटेगरी के अंदर, बेवरेजेस कैटेगरी के अंदर अलग अलग से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सब कैटेगरीज हैं। फूड में 6 सब कैटेगरीज है, स्टेपल्स, बेक्ड, कन्वीनियंस, स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कन्फेक्शनरी। स्टेपल्स मतलब जैसे कि मैंने बताया, वो प्रोडक्ट जैसे आटा, दाल, चावल वाले जो कैटेगरी है उसको स्टेपल्स कहते हैं। बेक्ड मतलब बिस्किट वाले जो कैटेगरी है। कन्वीनियंस मतलब वो प्रोडक्ट्स जो रेडी टू ईट है, जैसे फ्रोजन आइटम्स हो गया, हाफ कुक्ड वाले आइटम हो गया, जैसे कि केलॉग आप डालो और खा लो, उस टाइप का जल्दी बनने वाला कन्वीनियंट प्रोडक्ट। स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स है। फिर आता है कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी में वो प्रोडक्ट्स है जो चॉकलेट, टॉफी वाला कैटेगरी है। जैसे आप देखते हैं कि बेवरेजेस में कौन कौन से सब कैटेगरीज है। बेवरेजेस में है सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स एंड जूसेस, मिनरल वाटर, टी एंड कॉफ़ी एंड हेल्थ बेवरेजेस। अभी हम लोग देखेंगे और एक कैटेगरी को, विच इज़
अराउंड 17%, दैट इज सिगरेट्स एंड अल्कोहल। देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब कैटेगरीज है, कंपनीज है एंड ब्रांड्स है। सिगरेट्स एंड अल्कोहल कैटेगरी में अब अल्कोहल के अंदर तीन सब कैटेगरीज आ जाते हैं, विच इज लिकर, बियर एंड वाइन। तो अभी तक हम लोग ये जो चार मेजर FMCGs के कैटेगरी है वो कवर कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि और क्या कैटेगरी है जो FMCG से रिलेटेड है। डायरेक्टली FMCG शायद नहीं है, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है, उनका जो काम करने का तरीका है, विच इज़ सिमिलर टू FMCG इंडस्ट्री। तो देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से सब कैटेगरीज है। एक सब कैटेगरी जो है OTC, जो आपने देखा जिसका 5% इंडस्ट्री शेयर है। सेकेंड है बैटरीज और लाइटिंग। तो जानते हैं इन कैटेगरीज में कौन कौन से कंपनीज है। OTC प्रोडक्ट्स में अमृतांजन एक बड़ी कंपनी है, डाबर का हाजमोला, हनीटर, शिलाजीत जैसे ब्रांड्स है, इमामी का, झंडू जैसे ब्रांड है, GSK का क्रोसिन, ओट्रीविन, ये सब OTC के अंडर आते हैं। बैटरीज में आप जानते हो कि एवरडीडी, ड्यूरासेल, पैनासोनिक, ये बड़े बैटरी ब्रांड्स है। लाइटिंग के अंदर बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, विप्रो लाइटिंग है, हैवल्स है, फिलिप्स है। तो अभी तक आपने देखा कि FMCGs के अंदर ब्रॉड कैटेगरीज क्या क्या होते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा सब कैटेगरी के अंडर आते हैं, उसका मार्केट लीडर्स कौन कौन है और कौन कौन से ब्रांड्स आपका कंपटीशन में हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप दुकान के अंदर किसके साथ आपका ब्रांड को प्लेस करोगे, कैसे अपना विजिबिलिटी बनाओगे और कैसे अपना रेंज को दुकानों में प्लेस करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका हेल्प के लिए एक FMCG सेल्स गाइड बनाया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि FMCG सेल्स में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज आई विल बी बैक विथ मोर एंड मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।